जब खाना काबा में बैठकर जियाउल हक ने वादा किया और वादा वफा ना किया। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिर्ज़ा असलम बेग अपनी किताब कंपल्शंस ऑफ पावर में लिखते हैं कि जियाउल हक ने खाना काबा में बैठकर किंग खालिद और यासिर अरफात से भुट्टो को फांसी देने की बजाय उनके हवाले करने का वादा किया, लेकिन पाकिस्तान वापस आते ही उन्होंने भुट्टो को फांसी दिलवा दी। यहाँ ये बात वाजे रहे कि ये वही मिर्ज़ा असलम बेग हैं जिन्हें जुनेजो ने जियाउल हक के मार्शल लॉ दौर में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया था। जियाउल हक के कत्ल में कौन कौन मुलव्वस था और मिर्ज़ा असलम बेग इस बारे में क्या लिखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें।